हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ होम रेमेडी जिससे कि हम अपनी स्किन को और ग्लोइंग बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम स्किन में वो मास्क लगाने से पहले मैं आपको एक मास्क बताऊंगी जिससे कि हम अपनी स्किन को और थोड़ा ब्राइट बना सकते हैं और जो पिंपल हैं, जैसे मेरे फेस पे थोड़े थोड़े पिंपल हो रहे हैं तो उनको थोड़ा दूर कर देती है। ठीक है, तो पर मास्क को बताने से पहले फर्स्ट थिंग जो मैं अपने फेस पे यूज़ करती हूँ वो मैं आपको भी रेकमेंड करूँगी कि आप भी वो यूज़ करें। तो फर्स्ट थिंग है टमाटो। ठीक है, टमाटो यूज़ करेंगे हम फर्स्टली। तो मैं टमाटो को ले लिया है एंड टमाटो को मैं कट कर देती हूँ। तो हम अपने फेस पे टमेटो यूज़ करेंगे, बट इससे पहले हम अपने हेयर बन लगा लेंगे जिससे कि हमारे हेयर बीच में ना आए। ठीक है, तो मैंने हेयर बन लगा लिया एंड अब हम यूज़ करेंगे टमेटो। ठीक, टमेटो को मैं अपने पूरे फेस पे रब करूँगी जिससे कि 5 to 10 seconds मैं रब करूँगी और जिससे कि मेरी स्किन और थोड़ा ग्लोइंग हो जाएगी। टमाटो से में विटामिन सी होता है जो हमारी स्किन को ग्लोइंग करने में काम आता है। ठीक, तो अब हम इसको रब करेंगे एंड टमाटो एक ऐसी चीज़ है जो सभी के घर में इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है, और जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो अभी इसको सर्कल मोशन में मैं स्क्रब करती रहूँगी। 5 to 10 seconds में इसको हम रब करेंगे, आईज के नीचे भी अच्छे से स्क्रब करेंगे। टमाटो का जो भी जूस है उसको हम अपने फेस पे लगाएंगे। नोज के ऊपर भी, जो माउथ के ऊपर, जो अपर लिप्स पे जो ब्लैक होता है, ब्लैक से निशान से पड़ जाते हैं, उसको भी धोने करने के लिए टमाटो को यूज़ किया जाता है। मैंने टमाटो यूज़ कर लिया है। ओके, अब हम टमाटो को थोड़ा सा सूखने देंगे। टमाटो एकदम सूख चुका है और अब हम अपने फेस को वॉश कर लेंगे। ओके, मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया एंड नाउ सेकंड, अब हम मास्क बनाएंगे। ओके, मास्क बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। मास्क बनाने के लिए फर्स्ट मेरे को चाहिए 2 spoon कॉफ़ी। तो हम करेंगे 2 spoon कॉफ़ी लेंगे। ठीक है, कॉफ़ी हम थोड़ा तो 2 spoon कॉफ़ी ली है मैंने और एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा। ठीक है, अगर आपके घर पे अवेलेबल हो, मोस्टली ये बहुत ही अच्छे से अवेलेबल हो जाता है हर किसी के वहाँ पे। तो एलोवेरा को क्या करेंगे, हम ऊपर की साइड को उसको कट कर लेंगे, ऊपर की साइड को कट कर लिया। ठीक है, और अंदर से ये जो बचेगा हम एलोवेरा निकाल लेंगे। ठीक, इसको हम फोक से ऐसे निकालेंगे तो ये और भी इजी तरीके से निकल जाएगा। देखें आप कैसे निकल रहा है। हम इसको कॉफ़ी में मिक्स कर देंगे। हमने इसमें कॉफ़ी ली, कॉफ़ी के साथ हमने एलोवेरा, देखिए हमने इसमें एलोवेरा डाल दिया। अभी हम इसको थोड़ा मिक्स करेंगे एंड थर्ड जो चीज़ है वो है
थर्ड चीज़ है शुगर, ठीक है। तो अभी हम इसमें 1 टेबल स्पून शुगर ऐड कर लेंगे। तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे, ठीक है। तब तो हम इसे फेस मास्क, इस फेस पैक को अच्छे से फेस पे लगाएंगे, जिससे हमारी स्किन क्या होगी, ब्राइट हो जाएगी, क्योंकि कॉफ़ी हमारी स्किन को ब्राइट करने के काम आती है। कॉफ़ी पीने के भी काम आती है, बट हमारी स्किन को ब्राइट करने में भी हमारी हेल्प करती है। इसको मैंने अच्छी तरीके से मिला दिया है। एंड ये फेस पैक, इस फेस पैक में मैंने डाला है एलोवेरा जेल, प्योर एलोवेरा जेल। मार्केट में जो एलोवेरा जेल आता है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और 2 स्पून कॉफ़ी एंड क्या है, 1 टेबल स्पून शुगर यूज़ किया है, ठीक है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे हम, देन इसको हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। और फिर हम इसे 20 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे और फिर हम अपने फेस को अच्छे से धो लेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको हाथ से ही अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करूँगी, ठीक है। मेरे फेस पे आप देख रहे हैं जैसे कि बहुत सारे पिंपल्स वगैरह और यहाँ पे चोट लग गई है, ठीक है। तो अभी हम इसको लगाएंगे और हमारे फेस की थोड़ी सी केयर करेंगे। अच्छे से हम अपने फेस पे इसे अप्लाई करेंगे। कॉफ़ी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। इस लाइक मेरा मन कर रहा है मैं इसे लगाने से पहले खा जाऊँ। इट्स ओके, हम इसके बाद कॉफ़ी पी सकते हैं। अच्छी तरह हम इसको अपने फेस पे लगा लेंगे। और आप चाहें तो एक बार में ज़्यादा मास्क बना के आप इसको फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। ओके, 15 मिनट्स हो चुके हैं और मेरा फेस थोड़ा थोड़ा सूख चुका है। तो अभी मैं इसको वॉश कर दूँगी और उसके बाद अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाऊँगी। और वॉश करते टाइम आपको पानी डाल के हल्का हल्का स्क्रब करते हुए इसको निकालना है, ठीक है। देन मैं वॉश करके मिलती हूँ आपसे। मैंने अपना फेस अच्छे से धो लिया है पानी से और अब मैं इसे मॉइस्चराइज करूँगी। मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और थोड़ा मॉइस्चराइज कर लिया है और उसके बाद थोड़ी लिपस्टिक लगा लिया है। एंड मेरा स्किन इज़ बेटर नाउ। बट हाँ, ये है कि इतनी जल्दी आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, सो उसके लिए आपको 1-2 मंथ तक, मतलब कि 1-2 वीक तक इस चीज़ को ट्राई करना होगा। देन आपको रिज़ल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे कि आपकी स्किन थोड़ा ग्लोइंग सी हो जाएगी, है ना। और मेरे कपड़े सारे भीग गए थे इसलिए मेरे को चेंज करना पड़ा और अभी मुझे किसी काम से बाहर जाना है। देन आपको ऐसी टाइप की अच्छी अच्छी रेमेडीज़ चाहिए फेस के लिए, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you. Bye bye.